अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है। आपको थोड़ा इतिहास हम बताएंगे, इतिहास की ओर ले चलेंगे कि दरअसल इनका सफर कहां से शुरू हुआ था। 1984 की बात करेंगे तो 1984 के बाद पहली बार 2014 में मोदी के नेतृत्व में किसी दल ने बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। दिलचस्प वाकया ये है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार मोदी ने विधानसभा चुनाव लड़ा था, वहीं सांसद बनते ही प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली। नरेंद्र मोदी ने रविवार यानी कि आज के दिन 9 जून को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। 2014 में 26 को नरेंद्र मोदी ने पहली और 30 मई को 2019 को दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। आपको ये बता दें कि नरेंद्र मोदी आजादी के बाद जन्म लेने वाले पहले प्रधानमंत्री है। इसी के साथ लगातार 10 साल बहुमत के साथ केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार चलाने वाले मोदी इकलौते नेता है। आपको बता दें कि देश और दुनिया की नजर प्रधानमंत्री मोदी पर है। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 3.0 का जो सफर है वो काफी उम्दा होने वाला है, काफी कड़े डिसीजन लेने वाले हैं। इस दौरान आज की यदि बात की जाए तो आज इसी के साथ शपथ ग्रहण के साथ मोदी के कार्यकाल की शुरुआत हो चुकी है और काफी हर्षोल्लास के साथ लोगों ने मोदी के नारे भी लगाए। और जब ये शपथ ग्रहण कर रहे थे तब भी लोगों में जो उत्साह था, जो जोश था, वो देखते बनता था। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।